आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। द्वारा लिखे गए पुस्तकों का विमोचन का भी कार्यक्रम है और ये जो तुलसी पीठ न्यास है, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहाँ मौजूद साधु संत महात्माओं एवं अभ्यर्थियों के साथ साथ यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों से भी मुखातिब हो रहे हैं। और जिन पुस्तकों के विमोचन का कार्यक्रम है, उन पुस्तकों के बारे में अगर हम आपको बताएं तो जगत गुरु रामभद्राचार्य ने 10,000 पन्नों की एक पुस्तक लिखी है, जो खास तौर पर ब्रेल लिपि में है, और इसी पुस्तक का विमोचन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। और इसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं तुलसी पीठ में। दर्शन एवं पूजा अर्चना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुलसी पीठ में की है, उसी की तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुलसी पीठ के दौरे पर, चित्रकूट में स्थित है ये तुलसी पीठ, और जगत गुरु रामभद्राचार्य यहीं पर निवास करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनसे एवं अन्य साधु संतों से भी मुलाकात का कार्यक्रम है, और इसके साथ ही 10,000 पन्नों की ये पुस्तक है, उसका विमोचन भी प्रधानमंत्री करने वाले हैं। तो तुलसी पीठ न्यास, चित्रकूट का ये तुलसी पीठ न्यास, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और वहां उपस्थित साधु संत महात्माओं कर्मचारियों से मुखातिब हुए हैं, साथ ही उन्होंने वहां पर दर्शन एवं पूजा अर्चना भी की है। पीएम ने कांच मंदिर में ये पूजा अर्चना की है। तुलसी पीठ एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्थान है और तुलसी पीठ की स्थापना जगत गुरु रामभद्राचार्य ने साल 1987 में की थी। उसी तुलसी पीठ का प्रधानमंत्री दौरा कर रहे हैं। और इस अवसर पर जो कांच मंदिर है, वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और जैसा कि हमने आपको बताया कि एक विशेष पुस्तक 10,000 पन्नों की ब्रेल लिपि में लिखी गई पुस्तक, जो खुद जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने लिखी है, उस पुस्तक का विमोचन करने वाले हैं हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अजीत। प्रधानमंत्री का चित्रकूट में ये दूसरा कार्यक्रम?